हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उस पर जो बादल चलते रहते हैं वैसा वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए, आप सबसे पहले आप उस वीडियो का डेमो देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। चाहे सारा जमाना तेरा दीवाना। हाँ, तो गाइज, जैसा कि आपने डेमो वीडियो को देख लिया है, सो गाइज, हम आज इस वीडियो में कुछ इसी तरह का वीडियो क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो काइन मास्टर को ओपन कर लेना। ओपन कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिस भी रेशियो में आपका वीडियो हो उस रेशियो के वीडियो पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर मेरा 9 और 16 का जो है वीडियो है, इस पर कर देना है क्लिक। इसके बाद नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। यह वीडियो अमरदेव सर का है। तो गाइज, इस वीडियो को हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसको ले लेंगे। इसके बाद हम पुनः इस पर क्लिक कर देंगे, वीडियो के फर्स्ट पे आ जाएंगे। इसके बाद टिक कर देंगे। अब लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और बादल का वीडियो हम ले लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली इसकी वॉइस को यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद टिक कर देना है। अब इसको यहाँ पर जाना है और सिंपली सबसे पहले यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके इसको कर देना है क्रॉप और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद इसके फेदर को यहाँ तक करीब 40 कर देना, 40-41 कर देना है। इसके बाद यहाँ टिक कर देना है। अब सिंपली गाइज, आपको यहाँ पर जाना है और इसको कुछ इस तरह से फैला देना है, इस तरह से एडजस्टमेंट कर देना है। अब गाइज, टिक कर देना है। अब इस वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये 3 डॉट पर जाना है, डुप्लीकेट लेयर पर जाना है। डुप्लीकेट लेयर पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जाकर इसको फुल स्क्रीन कर देना है, टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद इस पर क्लिक कर देना है लेयर वाले वीडियो पर। इसके बाद आपको सिंपली क्रोमा की पर जाना है। इसके बाद इसको क्रोमा की निकाल लेना है। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेना है। टिक कर देना बादल। अब बादल वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा रहेगा स्पीड। तो गाइस, स्पीड वाले पर जाना है। स्पीड वाले जाने के बाद यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग इसको स्पीड बढ़ा देना है। इसके बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरह का बनकर तैयार होगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सिंपली आपको जिस भी बोर्ड पे एक्सपोर्ट करना है उस बोर्ड पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।